வெல்கம் டு புனிஸ் பாஸ்கெட் சோ இப்போ நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் நம்ம அடிக்கடி போடுற இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸா வந்துட்டே இருக்கும் சோ இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெசிபி பண்ண போறோம் இந்த டபுள் லேயர் கேக் ரெசிபி மெஷரிங் ஸ்பூன் இல்லாம பண்ண போறோம் இந்த ரெசிபியை எப்படி பண்ணலாம்ன்றத வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் केक बैटर रेडी पड़े और मिक्सि जार और मुटपोल ना उड़ी आड पड़े इनके नम्बर मेशरी कप्स मेशरी स्पून वीटल नार्मल स्पून वे ना इनकी मेशर पड़पे इतनी और आर टेबल स्पून ना सक आड पड़े सक आड पड़ो इतकूड पाती टी स्पून वनला एसेंस आड पड़े इतकूड़े और मूणु टेबल स्पून ना पाल आड पड़े इतकूड़े और नालु टेबल स्पून नम्बर एन आड पड़े एन पाती फ्लेवर इलादा एन्नय आड पड़ी इतना ना क्लोज पड़े ना वो स्मूदान और बैटर अरे को पाती रेडी इत वो बउल् ना वो ट्रांसफर पड़े इतनी नम्बर ड्राई इनक्रीडियंट आड पड़पर अद्क पाती एट टेबल स्पून अल्प ना फर्स्ट मैदा आड पड़े मैदा आड पड़ी ना वो सली कुछ कुछ आड पड़ी इतनी ना सली इतकूड़े वो कल टेबल स्पून बेकिंग सोडा आड पड़े कूड़े और अर टेबल स्पून बेकिंग पउडर इतकूड़े और पिंच उप आड पड़े सो इनकमें स्वीटो इले केक रेसिपियो से और पिंच उप आड पड़ी ना वो टेस्ट अंड फ्लेवर एड़को कंपा आड पड़ी ट्राई पड़ी पांग इतमी ना मिक्स पड़ी ए रे टेबल स्पून ना पाल आड पड़ी इतमी मिक्स पाकमें केक बटर मिक्स पड़े कट अंड फोल मेतड वो मिक्स पाको इतकूड़े वो इन रे टेबल स्पून ना पाल आड पड़ी ना वो इतमी कट अंड फोल मेतड मिक्स पड़ी मिक्स पड़ी एड़को केक ना वो स्मूदान वो केक कमूतान बैटर रेडी आेक बैटरे वो रे पाया तनिया प्रिचेड़े और पाया वो टेबल स्पून कोको पउडर रे टी स्पून ना पाल आड पड़ी ना वो मिक्स पड़ी एड़कें नम्बे चॉकलेट बैटर रेडी आम कट वो केक मोलडी ना अल्ले पड़ी एंगे केक मोलड इलेना नार्मलान और बउल्स अगरकल केक मोलड फर्स्ट लेयर वो टेबल स्पून ना वनला बैटर आड पड़े सेकंड लेयर पाती चॉकलेट बैटर वो ना आड पड़पें चॉकलेट बैटर ऐड पन दो अड़ते लेयर वंदे वेनिला बैटर ऐड पनी कोंगे सो और अलग का पादी वंदे नंबर फिल पन दो कुछ मत टैप पनी कोंगे पैदा ची एयर बबल जर नालो अधे रिमूव आगे नो रोम्बो मु फुल्ला मु वंदे पातेंगे ना इंद बैटर वंदे नंबर विक्के कुड़ा दो और अलग को रु 3/4 कप पाले विक्के वंदे दो अदोरा नंबर स्टॉप पनी क्ला अपना वंदे केक वंदे नाला राइज आगे वरो इंजमा वो मिडल और वनला बैटर वे स्टिक वेमारी डिजन पटकल उन्नोदी पड़ी केक वो ना बेक वो अलगान डिजन केक बेक पड़क और पात्र वो ना और पत् निम्सपोल प्रीहीट पड़ी एड़ और स्टैंड वे अल और प्लेट वे नम्बर रेडी पड़ वो मोलडे एल वे नम्बर क्लोज पड़ा सो क्लोज पड़े मेरी हॉल्स पर वे क्लोज पड़िड़ें इत पाती लो फ्लेम वो मुपदे मुपत् अंजु निम्सम ना वो नम्बर बेक पड़ी एड़को करेक्टा पाती 35 मिनट्स आगे और स्टिक वे ना केक बेक आगे अब ना चेक पाकल केक एल्लामे पातिंगना सूपरा बेक आगे वंदिरुक्कु इप्पो वंदु नम्म इदु वंदु रिमूव पण्णि तनिया एडुत्तु वच्चिट्टु नल्ल सूड आरनदुक्कु अप्पुरम इंद मोल्डल इरुंदु नम्म तनिया एडुत्तुक्क पोरोम सो केक पातिंगना नल्ल वंदु सूड आरी वंदिरुच्चु इप्प
நம்ம இதை அன்மோல் பண்ணிடலாம். கேக் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்கு. அந்த டிசைன்மே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு, நல்ல ஒரு லேயரும் ஃபார்ம் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய கேக்லாமே வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப குவிக்காகவும் இந்த கேக்கை வந்து நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கேக் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து வந்திருக்கு, நல்லா வந்து சாஃப்டாகவும் ஸ்பாஞ்சியாகவும் இருக்குது. இந்த கேக்கை வந்து இன்னொரு வகையாக வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இதை எப்படி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இருந்தால் அதை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே கேக்கை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் வந்து இந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வந்து நம்ம மேலே ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக நட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீமில் ஊறும் பொழுது இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ இந்த டெசர்ட்டை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு அப்படி வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இல்லைனாலும் நீங்கள் நார்மலாக இந்த கேக்கையும் வந்து இப்படியே கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ கேக் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாகவும் நமக்கு வந்து பேக் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய சூப்பரான ஈவினிங் டீ டைம் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கேக்கை வந்து நீங்கள் கோதுமை மாவுலையும் செஞ்சுக்கலாம். மோல்டு இல்லாதவங்க நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்துலையும் இந்த கேக் வச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பேருக்கு பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.